हेलो गाइज, मैं हूँ हार्दिक पांचाल और आज मैं आपको भाई डिफरेंस दिखाने वाला हूँ। जुपिटर ZX स्मार्ट X कनेक्ट के साथ आती है, जो कि आपकी जिसके अंदर भाई डिजिटल स्पीडोमीटर डाल दिया गया है, और दूसरी अपनी जो सिंपल वाली जुपिटर आती है 110cc के अंदर। तो आज हम इन दोनों के बीच में कंपैरिजन देखेंगे, क्योंकि भाई जुपिटर ZX है, ये भी 110cc में आती है और ये भी अपनी 110cc में आती है। बट लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स ऐड ऑन कर दिए गए हैं, इसके अंदर थोड़े बहुत फीचर्स ऐड करे गए हैं, तो भाई उन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर हम सबसे पहले देखते हैं जुपिटर X कनेक्ट, तो भाई इसके अंदर आपको LED हेडलैम्प मिल जाता है। अगर आप देखते हो TVS जुपिटर सिंपल वाली, तो इसके अंदर भी LED हेडलैम्प ऐड ऑन कर दिया गया है। अगर भाई अगर नीचे इंडिकेटर की बात करते हो, तो हैलोजन इंडिकेटर मिलते हैं, सिल्वर फिनिश ज़रूर मिल जाती है इसके अंदर। और यहाँ पर भाई आपको स्मार्ट X कनेक्ट की बैजिंग मिलती है, जो कि मैं आपको भी आगे दिखाऊंगा। और भाई देखते हो तो इसके अंदर TVS की बैजिंग इंडिकेटर सेम दे रखे हैं, हैलोजन लाइट के साथ सिल्वर फिनिश आती है इसके अंदर। इसके अंदर कोई स्मार्ट X कनेक्ट की बैजिंग नहीं आती, वो भी बाद में बताऊँगा क्यों नहीं आती। अगर भाई आप थोड़ा नीचे देखते हो मडगार्ड की साइड, तो मडगार्ड भी आपको बॉडी कलर में मिल जाते हैं सिंपल से। यहाँ पर आपको रबड़ की फिनिश मिल जाती है, इसके अंदर भी मिल जाती है, जो कि आगे टच होती है तो मडगार्ड पे स्क्रैच वगैरह कम लगते हैं। अगर भाई हम बात करते हैं भाई टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, इसके अंदर भी मिल जाता है, इसके अंदर भी आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिल जाता है। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है, वो है भाई आपके अंदर इसके अंदर डिस्क ब्रेक मिल जाती है जुपिटर ZX के अंदर। अगर सिंपल वाली जुपिटर देखते हो, इसके अंदर आपको नॉर्मल ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिलती है। टायर साइज़ आपको सेम मिलता है, 90-90 12 इंची, इसके अंदर भी 90-90 12 इंची। और फिर भाई अगर हम चलते हैं लेफ्ट साइड में, तो कुछ इस टाइप की आपको जुपिटर ZX नज़र आती है साइड से, जिसके अंदर आपको क्रोम जुपिटर की बैजिंग वगैरह आपको क्रोम में मिल जाती है। अगर हम देखते हैं सिंपल वाली जुपिटर, तो भाई वो कुछ इस टाइप की नज़र आती है आपको साइड से, जिसके अंदर आपको नॉर्मल जुपिटर की बैजिंग मिलती है, जो कि क्रोम के अंदर दे रखी है सिंपल सी। बट लेकिन जुपिटर ZX के अंदर काफ़ी सारे मतलब कलर ऐड ऑन करे गए, जैसे कि सीट और डैशबोर्ड का कलर देखोगे डुअल टोन कर दिया, बीच और मैरून कलर कर दिया, उसके ग्रैब हैंडल पे आपको कुशनिंग मिल जाती है। बट लेकिन जो सिंपल वाली जुपिटर है, इसको आपका नॉर्मल सिंपल ग्रैब हैंडल मिलता है, और सीट भी ब्लैक मिलती है, डैशबोर्ड का कलर भी ब्लैक मिलता है। तो भाई अब मैं आपको इसका ना मेन फीचर दिखाता हूँ। आप कहोगे भाई डिफरेंस क्या है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जो आपकी जुपिटर ZX है ना, इसके अंदर दे दिया है टोटली डिजिटल स्पीडोमीटर, जिसको ऑन करते हैं तो भाई कुछ इस टाइप का इंटरफेस मिलता है, जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर, किलोमीटर, टाइम, फ्यूल मीटर, आप इससे ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर सकते हो आपका। तो भाई ऐसे ऐसे फीचर ऐड ऑन कर दिए गए हैं जुपिटर ZX के अंदर। हाई बीम लो बीम इंडिकेटर हॉर्न, और यहाँ पर आपकी नई टेक्नोलॉजी डाली गई, जिससे आपका फ्यूल सेव हो सकता है। जैसे कि रेड लाइट पे खड़े हो तो इसको ऑफ़ कर दोगे तो 30 सेकंड में आपकी स्कूटी ऑफ हो जाएगी, और फिर नॉर्मल ब्रेक प्रेस करके एक्सीलेटर दोगे तो स्कूटी ऑन हो जाएगी। यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए दिया गया है। अगर हम चलते हैं भाई नॉर्मल वाली जुपिटर की तरफ, तो इसके अंदर अभी भी आपको नॉर्मल एनालॉग स्पीडोमीटर मिलता है, जिसके अंदर 100 तक स्पीड लिमिट मिल जाती है, सेंटर में किलोमीटर रीडिंग, और फ्यूल के लिए आपको एक सुई दे रखी है, मतलब जो कि फ्यूल मीटर बताती है आपका कितना फ्यूल है। इको पावर इसमें मिलती है, उसमें मिलती है, जो कि अगर आपकी 20 से नीचे स्पीड होती है तो इको मोड होता है, अगर उससे ऊपर जाती है तो पावर मोड हो जाता है। यहाँ पर आपकी हाई बीम लो बीम और पासिंग के लिए मिल जाता है इंडिकेटर हॉर्न। यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपको की मिलती है। बट लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर भाई एक बटन नहीं दिख रहा आपको, जो कि अपना जुपिटर ZX के अंदर दिख रहा था, तो भाई वो था उसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए। इसके अंदर कोई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं आती, तो इसलिए सिंपल बंद करके दे रखा है। और ये ऑन ऑफ टेक्नोलॉजी इसके अंदर भी मिल जाती है, जो कि 30 सेकंड में स्कूटी ऑफ कर देती है। अब अगर बात करते हो भाई स्टोरेज एरिया की, तो जैसे कि मैं बैठा हूँ जुपिटर के अंदर, तो स्टोरेज एरिया इसके अंदर भी सेम सा ही मिल रहा है मेरे को। स्टोरेज यहाँ पे भी आपको सेम ही मिलेगी, मतलब लेग रूम कह लो, आप स्टोरेज कह लो, सेम बात है। अगर बात करते हो इसके में, आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है भाई, स्पेस मिल जाता है थोड़ा सा। अब देखते हैं जुपिटर ZX में, भाई इसमें भी मिल जाता है आपको एक चार्जिंग पोर्ट, ये मिल जाता है आपको। भाई ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं दोनों स्कूटियों में, सेम फीचर, सेम स्टोरेज एरिया, सेम लेग रूम वगैरह मिलता है, बस उसके अंदर ना डिजिटल स्पीडोमीटर डाल दिया गया है, इसके अंदर एनालॉग आता है। अगर भाई अगर हम सीट ओपन करते हैं, तो आपको नॉर्मल की ऑफ पे करके लेफ्ट साइड में पुश करनी है, ये हो जाती है भाई आपकी सीट ओपन, जिसके अंदर कुछ इतना आपको बूट स्पेस मिल जाता है। फ्यूल टैंक इसका बाहर दे रखा है, जो कि पीछे की साइड दे रखा है। इसकी कैपेसिटी मिलती है आपको 5.3 लीटर, जो कि माइलेज आपकी 40-45 के बीच में क्लेम करती है कंपनी। आपके ऊपर डिपेंड है ड्राइविंग स्टाइल कैसा है आपका। सेम जुपिटर ZX के अंदर मिलती है, बस ग्रैब हैंडल इसका चेंज है, कुशनिंग वगैरह देके जुपिटर की बैरिंग दे रखी है, थोड़ा लुक इनहांस करने की कोशिश करी है। बट लेकिन सही बताऊँ ना भाई, जुपिटर ZX में ना काफ़ी अच्छी सी लुक निकल के आ रही है। टेल लैम्प देखोगे, टेल लैम्प में डिफरेंस नहीं है भाई, सेम इसके अंदर भी LED टाइप टेल लैम्प दे रखे हैं।
इसके अंदर भी सेम LED टाइप टेल लैंप दे रखे हैं, एवं मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। कुछ इस टाइप के नज़र आते हैं भाई, जो कि लगती है LED पर है नहीं। तो भाई अब आप सोच रहे होगे, जुपिटर ZX के अंदर इतने सारे फीचर ऐड कर दिए सिंपल वाली जुपिटर से, तो कुछ ना कुछ तो फ़र्क होगा। तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको प्राइस डिफरेंस कितना आता है। बट लेकिन उससे पहले इंजन की बात कर लेते हैं भाई। जो इंजन आपको जुपिटर के अंदर मिलता है 110 cc का, सेम जुपिटर ZX के अंदर भी मिलता है। पावर भी सेम निकालती है, जो कि अपनी 7.37 BHP निकालती है और 8.5 Nm के आसपास टॉर्क प्रोड्यूस करती है स्कूटी। तो भाई अब बताता हूँ मैं आपको इसका प्राइस डिफरेंस। तो भाई अगर आप भाई जुपिटर ZX की तरफ जाते हो तो ये X शोरूम आपको 82,000 के आसपास पड़ती है। अगर भाई सिंपल वाली जुपिटर की बात करते हो तो आपको 67-66 के आसपास पड़ जाती है, जिसमें भाई अगर आप रुपये एक्स्ट्रा डालते हो तो बिल्कुल वर्थ इट है भाई। क्योंकि एक तो ये जुपिटर ZX के अंदर नया कलर ऐड ऑन करा गया है, जो कि बिल्कुल प्यारा सा कलर लग रहा है। जुपिटर के अंदर तो वाइट ब्लैक तो सारे आते ही थे भाई, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी डाल दी, स्पीडोमीटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डाल दी। तो भाई का कोई डिफरेंस इतना मायने नहीं रखता अगर आपको थोड़े अच्छे फीचर चाहिए भाई। अगर आपको भाई थोड़ा और भी अच्छा मतलब परफॉर्मेंस स्कूटी चाहिए, लेनी TVS की है, तो आप जुपिटर की तरफ भी जा सकते हो 125 cc वाली के अंदर। एंटोर की तरफ जा सकते हो अगर आपका बजट 1,00,000 से ऊपर है, अलाउ करता है आपको। तो गाइज़ यही कुछ डिफरेंस है, यही थी मेरी वीडियो। पसंद है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।